किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक मेरे चेयरमैन हमारे साथ में और एक हमारे नौजवान लीडर वसीम खान साहब जो कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक हमारी मदद करने वाले और हम तमाम लोगों के सरपरस्त जो कि बैठते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत की शक्ल में बैठते हैं और जिसको दो जुमला कह देते हैं मशवरे तक तो वो उसके लिए सनद हो जाती है। जैसे हमारे आली जनाब फारूक आजम साहब हाजी फारूक आजम साहब यहाँ पर तशरीफ लाए और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर और हमारी जितने साथी हैं खुशी भाई शकीर साहब हजरत सलाम असलम भाई और सुनील जी सलीम फकीम यूसुफ राना उनसे मैं एक साथी होने के नाते ही मेरे आधे बाल सफ़ेद और आधे काले हैं 60 साल पूरे काले 60 साल सहाफत में हो गए और मैं ये समझता था जैसा कि अभी गुफ्तगू हो रही थी कि बहुत बेहतरीन कदम है और सहाफ़ी जो होते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को मुल्क के आवाम के गुरबत के बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ करते हैं। सरकार से बड़ा इनका अच्छा रिश्ता भी होता है और गहरा भी रिश्ता होता है और कई मामलात में मुखालफत का भी रिश्ता होता है। अगर खट्टे मीठे मामलात जब सामने आते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारें नज़रअंदाज करती हैं लेकिन सहाफत एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए सरकारों को मजबूर होना पड़ता है उन कामों को करने के लिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ करते हैं मगर देखा जाता है कि इनके घरेलू हालात बहुत ही खस्ता रहते हैं। तो ये जो शुरू में हम थे जनाब राणा साहब यूसुफ राणा साहब हाजी फारूक आजम साहब हम तीनों मलाड में बैठे थे तो इस बात पे गुफ्तगू हुई कि सारे समाज के लिए तो सभी लोग काम करते हैं जो सब के लिए काम करते हैं उनके लिए कोई काम नहीं करता। क्या बात है। लिहाजा क्यों ना हम आलिमों के लिए एक मीटिंग करते हैं हम तमाम लोगों को ख्वातीनों के लिए प्रोग्राम करते हैं और दीगर तमाम ज़ात बिरादरी के लोगों को के मुस्तकबिल को संवारने के लिए बेहतर करते हैं लेकिन ये सहाफ़ी समाज जो सब के लिए काम करता है इनके लिए कोई नहीं काम करता। क्यों ना एक ऐसी तहरीक एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जिसके ज़रिए इनके भी मामलात को हुकूमत हिंद या हुकूमत हिंद से मुतालबा करके इनकी जो ज़रूरियातें हैं कैसे कैसे पूरी की जाएँ। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूसुफ राणा साहब ने फौरन इस्तकबाल किया वेलकम किया और कहा कि ये नेक्स्ट कभी जल्द अनकरीब मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी का नतीजा है कि इतनी कसीर तादाद में लोग आप लोग और अहले इल्म तबका यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुआ। मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ हाजी फारूक आदम साहब तुल्ला का राणा साहब का बुबेरे साहब का वसीम साहब का मौलाना असलम साहब का फिरोज साहब का और सभी लोगों का कि आप लोग वाकई में कुछ कौम की और मुल्क के लिए सोच रहे हैं इसीलिए अपना कीमती वक्त आप लोग यहाँ दिए हैं। तो खसूसी गुफ्तगू ये थी कि सहाफ़ियों को बेहतर से बेहतर इंतज़ाम कैसे किए जाएं उनके मकान के लिए उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए।